नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और नए और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, गुड़हल के फूल को आपने ज़रूर देखा ही होगा। गुड़हल के फूल को अड़हुल का फूल भी बोलते हैं। अधिकांशतः गुड़हल के फूल का इस्तेमाल पूजा पाठ आदि कामों के लिए किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गुड़हल के फूल का सेवन रोगों को दूर करने के लिए यानी कि रोगों के इलाज में भी किया जाता है। आयुर्वेद में गुड़हल के फूल को एक बहुत ही उत्तम औषधि बताया गया है। गंजेपन की समस्या, बालों को बढ़ाने में अड़हुल के फायदे मिलते हैं। इतना ही नहीं, कई गंभीर बीमारियों को उपचार करने के लिए अड़हुल यानी कि गुड़हल का इस्तेमाल भी किया जाता है। गुड़हल के फूल घंटाकार आकार के होते हैं। इसे बाग, बगीचे, घर और मंदिरों में लगाया जाता है। गुड़हल का फूल इकहरा, दोहरा, तिहरा, लाल, सफ़ेद या सफ़ेद लाल, बैंगनी, पीला, नारंगी इत्यादि कई रंगों का होता है। इसकी केसर बाहर निकली हुई होती है। सफ़ेद और लाल रंग वाला गुड़हल फूल विशेष गुणकारी होता है। गुड़हल की दो मुख्य प्रजातियां होती है, एक जपा बड़ी और दूसरी जपा छोटी। अन्य भाषाओं में गुड़हल को अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसका वनस्पतिक नाम हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस है। दोस्तों, इसे हिंदी में जवा, अड़हुल, अड़हौल, गुड़हल, जावा कुसुम, अड़हुल, इंग्लिश में सूफ्लावर, संस्कृत में जप्पा, उड़िया में मुंदरो, गुजराती में जासूद, तमिल में सेम्बारूटी, नेपाली में जप्पा कुसुम आदि नामों से जाना जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर ये कौन सी बीमारी में किस प्रकार से काम आता है। दोस्तों, अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जो भी लोग अड़हुल से संबंधित जानकारी नहीं जानते हैं उनके पास ये जानकारी पहुँच जाए। दोस्तों, सबसे पहला फ़ायदा है बालों को बढ़ाने में। गुड़हल के पत्तों को पीस कर इसका पेस्ट बना लें और इसे बालों में लगाएँ। 2 घंटे बाद बालों को साफ धो लें। इस प्रयोग से रोजाना इस्तेमाल करने से आपके बालों को पोषण मिलता है और आपका सर भी ठंडा रहता है। गुड़हल के ताज़े फूलों के रस में बराबर मात्रा में जैतून का तेल मिलाकर आग में पका लें। जब वह केवल तेल बच जाए तो उसे शीशी में भर कर रख लें। रोजाना बालों में मलकर जड़ों तक लगाने से बाल चमकीले और लंबे होते हैं। इसके बाद है रूसी यानी कि डैंड्रफ की समस्या। आप रूसी की समस्या से छुटकारा पाने के लिए भी गुड़हल का फायदा ले सकते हैं। गुड़हल के फूलों के रस में बराबर मात्रा में तिल का तेल मिला लें और इसे उबाल लें। उबालने के बाद से जो इसका आधा हिस्सा बचेगा उसे छानकर शीशी में भर लें और रोजाना इस तेल का इस्तेमाल करें। ऐसा करने से आपकी जो डैंड्रफ की समस्या है वो बहुत ही आसानी से खत्म हो जाएगा। इसके बाद है गंजेपन की समस्या। गौमूत्र में गुड़हल के फूलों को पीसकर और उसके बाद उसे मिलाकर लगाने से सर के ऊपर जो गंजेपन की समस्या है वो दूर हो जाता है। इसके बाद नींद न आने की समस्या। गुड़हल के कम से कम आपको 20 से 30 फूल लेना है। हरे डंठल को तोड़कर पंखुड़ियों को नींबू के रस में भिगो लें। इसे कांच के बर्तन में रात में किसी खुले स्थान पर रख दें। सुबह इसे मसलकर छान लें। इसमें कम से कम 300 ग्राम मिश्री, चीनी तथा 1 बोतल बहुत ही अच्छे किस्म का गुलाब जल मिला लें। इसे 2 बोतलों में बंद कर धूप में 2 दिन तक रखें। इस दौरान बोतल को हिलाते रहें। मिश्री अच्छी तरह से घुल जाने पर शरबत बन जाता है। इसे 15 से 40 मिली की मात्रा में पीते रहने से नींद ना आने की समस्या में लाभ मिलता है। इसके बाद ल्यूकोरिया के इलाज में 10 से 12 गुड़हल के फूल की कलियों को दूध में पीसकर स्त्री को पिलाएं, महिलाएं को पिलाएं। इसके साथ ही भोजन में दूध का प्रयोग करें। इससे ल्यूकोरिया की बीमारी बहुत जल्द ठीक होती है। अड़हुल की 4-5 कलियों को घी में तले सुबह 7 दिन तक मिश्री के साथ खाएं तथा गाय का दूध पिएं। इससे भी ल्यूकोरिया में बहुत तेज़ी से आराम पहुँचता है।
इसके बाद है याददाश्त को बढ़ाने में, यानी कि इंक्रीजिंग मेमोरी पावर। गुड़हल के फूलों और पत्तों को बराबर मात्रा में लेकर सुखाएं, इसे पीसकर पाउडर बना लें, शीशी में भर लें, एक चम्मच की मात्रा में सुबह शाम पिए। इससे आपको एक कप मीठे दूध के साथ पीना है। इससे आपकी जो स्मरण शक्ति यानी कि याददाश्त की जो बीमारी है वो बहुत ही जल्द खत्म होती है और इससे आपकी जो याददाश्त है वो बढ़ जाता है। इसके बाद है खून की कमी। दोस्तों, खून की कमी एक गंभीर समस्या है। इसमें आपको एक चम्मच गुड़हल के फूल के चूर्ण को एक कप दूध के साथ सुबह शाम नियमित रूप से रोज़ाना आपको सेवन करना होगा। इससे कुछ ही माह में खून की कमी दूर होती है और आपके शरीर में बहुत ही जल्द अचानक से पावर जेनरेट हो जाता है। इसके बाद है गर्भधारण रोकने के लिए, अड़हुल के फूलों को कांजी में पीस लें, इसे 50 ग्राम तक पुराना गुड़ मिला लें और मासिक धर्म के समय 3 दिन तक स्त्री के खाने से इसमें गर्भधारण नहीं करती है। मुंह के छाले में गुड़हल की जड़ को साफ करके धो लें, इसे 1-1 इंच के टुकड़ों में काट कर रख लें। दिन में 3 से 4 बार 1-1 टुकड़ा चबा कर थूकते जाएँ, 1-2 दिन में ही मुँह के छाले ठीक हो जाएंगे। इसके बाद है पेट दर्द की समस्या। पेट के दर्द को ठीक करने के लिए 5 से 10 मिली गुड़हल के पत्तों के रस का सेवन करें, इससे पेट दर्द में आराम मिलता है। खांसी जुकाम। खांसी और जुकाम के इलाज के लिए 15 मिली गुड़हल की जड़ का रस निकालें और इसे दिन में 4 बार सेवन करें, इससे आपको खांसी जुकाम में भी बहुत जल्द लाभ मिलता है। इसके बाद है आँखों की जलन में। अगर आपके आँखों में जलन है तो गुड़हल के फूल की पंखुड़ियाँ ले लें, इसे नींबू के रस में भिगोकर कांच के बर्तन में रात भर के लिए रख दें। सुबह उठकर इसमें धूप लगा दें और उसके बाद से इसे अपने आँखों के ऊपर लगाने से आपकी जो आँखों की जलन की समस्या है वो बहुत ही जल्द ठीक हो जाता है। इसके बाद है पाइल्स यानी कि बवासीर। गुड़हल की कलियों को घी में तलें, इसे मिश्री और नाग केसर मिलाएं, इसका सुबह शाम सेवन करने से पेचिस और बवासीर में दोनों में जल्दी और तेजी से लाभ मिलता है। इसके बाद है हृदय संबंधित रोगों में। हृदय रोग को ठीक करने के लिए गुड़हल के फूल को शीशी के बर्नी में डाल लें और इसे 20 ग्राम नींबू निचोड़ कर रात भर रख लें। उसके बाद से आपको सुबह उठकर छान लेना है और इसी को अपने गुलाब के अर्क के साथ रख कर इसे आपको पीना होगा। इससे बहुत ही जल्द हृदय रोग में छुटकारा मिल जाता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ गुड़हल यानी कि अड़हुल के फूल के फायदे। दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताइएगा और आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हम आपसे मिलेंगे ऐसे ही नए और इंटरेस्टेड जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।